साथियों, 21वीं सदी अपने आप में बहुत सी संभावनाओं से भरी हुई है। इन संभावनाओं के बीच आज एक कॉमन ग्लोबल वॉइस की भी आवश्यकता है, दुनिया उसको कभी महसूस हो रही है। एक ऐसी वॉइस जिसमें स्वर भले अलग अलग हो, लेकिन ये मिलकर एक सुर का निर्माण करें, एक सुर में अपनी आवाज उठाएं। आज पूरे विश्व के सामने ये सवाल है कि बदलती हुई परिस्थितियों में किसी तरह एडजस्ट होकर गुजारा करें या फिर नए तरीके से नए मार्ग का विकास करें। साथियों, बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत ने भी बहुत व्यापक बदलाव किए हैं। एक कालखंड था जब भारत तटस्थ था, हम तटस्थ थे, लेकिन हमारे तटस्थ की पैरामीटर क्या था? हम तटस्थ थे किस रूप में? हमारी इस देश से भी इतनी दूरी है, उस देश से भी इतनी दूरी है, यानी मानदंड था हम किससे कितने दूर है। अब बदलाव कैसे आया है? आज भी हम तटस्थ हैं, आज भी भारत तटस्थ है, लेकिन दूरी के आधार पर नहीं, दोस्ती के आधार पर। अब हम किससे कितने नजदीकी लाए हैं? तटस्थ रहते हुए भी कभी दूरी का पैरामीटर था, आज दोस्ती को हमने पैरामीटर बनाया है। हम सऊदी अरेबिया के साथ भी दोस्ती करते हैं, ईरान के साथ भी दोस्ती करते हैं, हम अमेरिका से दोस्ती करते हैं, हम रशिया से भी दोस्ती करते हैं, फिर भी हम तटस्थ हैं। और इसलिए इन बदलावों की बारीकी को समझना ये भी उतना ही आवश्यक। एक समय था जब लोग समान दूरी बनाकर तटस्थ थे, हम समान दोस्ती करके तटस्थ हैं। उस कालखंड में दूरी रखकर बचने की कोशिश की गई, आज हम दोस्ती रखकर साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत की आज की विदेश नीति, भारत की आज की अर्थनीति का बहुत बड़ा सार है।